दुनिया भर में शांति और संयम का त्योहार रमजान हमारे बीच से विदा हो गया, लेकिन अपने पीछे एकता और सद्भाव की कुछ ऐसी तस्वीरें छोड़ गया जिसे देखने के बाद आप कह सकते हैं कि तमाम नफरतों के बीच अभी हमारे मुल्क की तहजीब जिंदा है। इनसे मिलिए, ये है महाराष्ट्र से प्रिया सिंह। ऊबर से यात्रा कर रही थी तभी इन्हें आजान की आवाज सुनाई दी, जो कि बाहर से नहीं बल्कि ड्राइवर के फोन से आ रही थी। प्रिया ने आजान की आवाज सुनते ही पूछा, आपका रोजा है, आपने इफ्तार किया? जवाब आया, जी मैडम, सड़क पर ही कुछ खा लिया था। इसके बाद प्रिया सिंह ने नमाज को लेकर सवाल किया कि क्या आपको नमाज अदा करनी है। सामने से ये सवाल सुनकर ड्राइवर ने चौंक कर जवाब दिया, अदा कर सकता हूँ क्या? प्रिया ने जब हाँ में सर हिलाया तो फिर से सवाल आया, वाकई अदा कर सकता हूँ क्या? जब जवाब में हाँ आया तो प्रिया सिंह ने अपनी सीट बदलते हुए उस ड्राइवर को दे दी और खुद आगे आकर बैठ गई। कहने को तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये घटना ऐसे समय में घटित हुई जब भारत में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, अजान को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे थे। ऐसे में प्रिया का कहना है कि जब चारों ओर नफरत फैली हो तो ऐसी शांति की बात करना सुकून देने वाला है। शाहनवाज अख्तर पेशे से पत्रकार, धनबाद से हावड़ा शताब्दी ट्रेन पकड़ते हैं। शाहनवाज चिप्स लेते हुए पैंट्री मैन से कहते हैं कि क्या वो चाय थोड़ी देर में दे सकते हैं, क्योंकि उनका रोजा है। ये सुनते हुए पैंट्री मैन सामने से कंफर्म करता है कि उनका रोजा है क्या। सवाल सुनकर शाहनवाज हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शाहनवाज अख्तर के साथ कुछ खूबसूरत घटित होता है। एक शख्स उनके लिए इफ्तार लेकर आ जाता है, जो कि श्री प्रसाद होते हैं। नमस्कार शाहनवाज जी, और स्वागत है आपका पैगाम नेटवर्क पर। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में अपना एक इंट्रोडक्शन दें। जी नमस्कार नंदिनी जी, मैं शाहनवाज अख्तर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और ई न्यूज रूम इंडिया को मैंने फाउंड किया है, मैं उसका फाउंडर हूँ। कुछ और दोस्तों के साथ मैंने 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और जर्नलिज्म में 20 सालों से हूँ। आप शताब्दी से आप ट्रैवल कर रहे थे और आपने रोजा रखा था, और ये पता चलने पर कि आपने रोजा रखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो एक हिंदू स्टाफर थे जिनको पता चला कि आपने एक आपका रोजा है, और उन्होंने आपको इफ्तार की थाली परोसी और आपके लिए इफ्तारी का अरेंजमेंट किया। तो ये सामने आपके सामने इफ्तार की जो थाली आई, इसको देख के आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? जी सबसे पहला रिएक्शन तो यही था कि मैं खुश हो गया, और चूंकि आप ट्रेन में होते हैं वहाँ तो ज्यादातर अनजान लोग होते हैं, आप ज्यादा किसी से कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए मैं देख के खुश हो गया। पर जो पहले स्टाफ जो आए थे उन्हें मैं नहीं पहचान पाया, कि वो उनका नाम भी नहीं दिख रहा था मुझे, वो उन्होंने कोई बैच नहीं लगा रखा था, इसलिए वो मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम थे मुझे नहीं पता है। पर जो सर्व किया जिन्होंने जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप रोजा हैं, तो मैंने उनको जब जवाब दिया था उनका मुझे नाम नहीं पता, पर जिन्होंने मुझे सर्व किया था, यस ही वॉज योर हिंदू पर्सन, हिज नेम वॉज सम प्रसाद, बिकॉज जहाँ पे मैं जो मेरी सिटिंग अरेंजमेंट थी अंदर थी, और वहाँ से मैं सिर्फ एक वर्ड पढ़ पा रहा था, उनका पूरा नाम नहीं पढ़ पाया, तो वो प्रसाद जरूर थे ये मुझे पता है, और वो बार बार आ रहे थे दूसरे लोगों को भी सर्व करने के लिए, तो एक हिंदू स्टाफ थे। और जो फीलिंग जो थी, वो सबसे बड़ी फीलिंग मैं उसे इस तरह से बता सकता हूँ कि मैंने वो इफ्तार ही किया, और मैं घर से इफ्तार लेके चला था, लेकिन वो इफ्तार नहीं किया मैंने, और मेरे पास में स्नैक्स भी रखे हुए थे, जो मेरा शताब्दी के हिसाब से जो मुझे स्नैक्स मिलने थे शाम को, वो भी मिला हुआ था मुझे, लेकिन मैं इफ्तार देख के जो मुझे खुशी हुई वो मैं और उसको और अगर बताऊँ आगे चल के, तो मैंने उसे फिर ट्वीट किया और मैंने उनको भी थैंक्स कहा, प्रसाद साहब को भी थैंक्स कहा मैंने, और फिर मैंने उसको ट्वीट किया। तो ये जो सारा जो प्रोसेस है उसी से पता चलता है कि मैं कितना खुश था उस मामले को लेकर। उन्होंने इफ्तार ला के दिया, उसके लिए मेरे से कोई चार्जेस नहीं लिए गए,
और मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था, मैंने कोई डिमांड नहीं किया था, और दे हैड डन इट सो स्मूथली, सो विदाउट मेकिंग एनी हस या फस। तो जो उन्होंने किया वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक केयरफुल वे में, आप किसी फैमिली में जाते हैं और कोई फैमिली आपको खुद से कुछ ऑफर कर देती है ना, सिर्फ आपके ये जान करके कि आप बाहर से आए हैं, शायद प्यासे होंगे, चलिए पानी आपको हम खुद से ऑफर कर दें, आपने पानी मांगा भी नहीं, बहुत ही दिल को सुकून देती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी सुकून वाली बात थी और मैंने उनको भी अप्रिसिएट किया जिन्होंने किया। उसके बाद फिर मैंने वो ट्वीट किया।